हेलो फ्रेंड्स, स्वाद रचना में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए काली मसूर की दाल तड़के वाली लेकर के आई हूँ। ये मसूर की दाल बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो की रेसिपी तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मसूर की दाल बनाना। इसके लिए मैंने एक कटोरी में मसूर की दाल ली है। ये छिलके वाली मसूर की दाल है। इसको मैंने एक घंटे पहले मैंने पानी में इसको भिगो दिया था और भिगो करके इसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। और इसमें हम 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देना है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा जैसे ही हल्का गुलाबी कलर का हो जाए तो इसमें हम एक प्याज मैंने काट लिया था, इसको छोटा छोटा इसको हम डाल देंगे। अब प्याज को हमें इसको भून लेना है ब्राउन कलर तक का। तो प्याज देखिए हल्का ब्राउन कलर का हो रहा है। अब इस स्टेज में हम 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ये पेस्ट डाल करके भी हम थोड़ा चला लेंगे, इसको भी हम भून लेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनना है। अब देखिए ये प्याज अच्छी कलर ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच भी हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये मैंने 2 टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे इसको हम डाल देंगे और डाल करके इसको हम चला लेंगे। अब इसमें हम धनिया 1 चम्मच डाल देंगे। अब इन सब मसालों को डाल करके हम अच्छी तरीके से चला देंगे और सारे मसालों को और टमाटर को हम भून लेंगे। टमाटर को हमें अच्छी तरीके से गला देना है इसमें। अब इसमें हम नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच, जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हम आप चाहे तो हरी मिर्च भी काट करके डाल सकते हैं इसमें। अब इसी में हम ये दाल मैंने जो भिगो के रखा था इसको भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो बिना भिगोए दाल भी बना सकते हैं। दाल भिगोने से क्या है कि दाल जल्दी पक जाती है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आपको तुरंत बनाना है, तो आप बिना भिगो करके भी बना सकते हैं। अब ये दाल डाल करके हम अच्छे से चला लेंगे इसको सभी मसालों के साथ और इसको हमें 1-2 मिनट तक लगातार भूनना है इस दाल को चला करके इस तरीके से। अब इसमें हम 1 गिलास हम पानी डाल देंगे लगभग। और इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हम नमक और डाल देंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि मैंने टमाटर भूनते समय भी नमक डाला था। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसको 1 सीटी आ जाने के बाद हम सिम कर देंगे और सिम करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। अब इसमें 1 सीटी आ चुकी है, अब इसको हम सिम करके 5 मिनट और पका लेंगे। तो अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको बंद कर देंगे
और हम इसका प्रेशर निकल जाने तक का हम वेट करेंगे। अब देखिए इसका प्रेशर निकल गया है, अब हम कुकर को खोल के देख लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी दाल बनके तैयार हुई है। अगर आपको दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अगर आप थिक दाल पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें पानी नहीं मिलाइए। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम 2 चम्मच हम ये मलाई, मैंने घर की निकाली हुई मलाई है सर, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे हम 2-3 मिनट तक, जिससे कि मलाई का कच्चापन निकल जाए। मलाई डाल देने से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 चम्मच हम पिसी खटाई डाल देंगे, 1/2 चम्मच ही हम गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे। अब ये सब डाल के हम चला लेंगे इसको। अभी इसको हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे हम। दाल ये पक चुकी है, 1-2 मिनट मैंने इसको पका लिया है, अब हम इसको बंद कर देंगे। अब ये दाल को हम सर्विंग बाउल में हम डाल लेंगे हम। हम दाल तड़का बना रहे हैं तो इसलिए अब हम इसमें हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम एक फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है और इसमें हम 2 चम्मच हम घी डालेंगे हम। तो घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें हम हींग डाल देंगे। ये 1 चुटकी मैंने हींग डाल दिया है। ये 1/2 चम्मच हम जीरा डाल देंगे और ये लहसुन की 3-4 कलियां मैंने छोटी छोटी काट ली थी उसको भी हम डाल देंगे। इन सबको डाल करके हम चला लेंगे हम। हमको ये जीरा और लहसुन को गुलाबी कलर का भून लेना है, इसको सौदे कर लेंगे इसको। तो लहसुन ये हल्के गुलाबी कलर का हो गया है। अब इस स्टेज में हम ये मैंने एक प्याज मैंने काट लिया था इसको भी हम डाल दें। ये थोड़ी सी करी लीव्स ये भी डाल देंगे हम। प्याज को हमें अच्छा ब्राउन कलर का करना है। ये मैंने 2 हरी मिर्च बीच से काट लिया था इसको भी डाल दीजिए। तो अब आप देख पा रहे हो तड़का मेरा रेडी है। अब हम इंडक्शन को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम इसमें हम 1/2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे कि इसमें कलर अच्छा आ जाएगा। अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है मसूर की दाल तड़के वाली। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ खाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगली बार आपको एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।